विधायक जी, मूर्ति का अनावरण जो किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? आज समस्त गुज्जर समाज में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे पूर्वज वंशज कह लीजिए, राजा मिहिर जी भोज की मूर्ति का अनावरण आदरणीय राव सुरेंद्र जी के नेतृत्व में किया गया है और मैं समस्त गुज्जर समाज को और छत्तीस बिरादरी के भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। सर, काफी विवाद हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ दोनों समाजों से अपील करना चाहेंगे बतौर कैथल विधायक? नहीं, हमारी अपनी सोच है कि कोई विवाद नहीं, राजपूत समाज भी हमारा अपना समाज है, हमारे भाई हैं और सदियों से शताब्दियों से हम आपस में मिलकर के ही हर प्रकार के कामों को सिरा चढ़ाते रहे हैं, आज भी वो हमारे भाई हैं, हमारा आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। शिक्षा मंत्री का प्रोग्राम था सर अनावरण करने का, क्या कुछ रहा, क्यों स्थगित करना पड़ा? शिक्षा मंत्री जी की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग आज, और इसकी वजह से रात मैसेज आ गया था कि मैं नहीं आ सकता, मीटिंग है। एक शब्द को लेकर सर आपत्ति जताई थी, उसको लेकर सर क्या कदम उठाए गए हैं समाज की ओर से, क्या वो शब्द हटाया गया या लगाया गया? नहीं, शब्द तो गुज्जर समाज लगाया गया है, गुज्जर सम्राट थे, पर वो तो हमारा आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं। आज भी हमने ये फैसला कर लिया कि राजपूत समाज के हमारे भाइयों के साथ बैठ करके हम उस बात को भी आपस में दूर कर देंगे। राजपूत समाज के लोगों ने भी ये कहा कि हम भी मूर्ति पर जो है माला अर्पण करने आएंगे, लेकिन पुलिस द्वारा रोका गया, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, वो आ सकते हैं क्या? नहीं, कर सकते हैं जी, इनका तो मैं कहता हूँ गुज्जरों थोड़ी, छत्तीस बिरादरी के कोई भी भाई बहन आकर के पूजा अर्चना कर सकता है, फूल अर्पित कर सकता है, और ये जो श्रृंखला है ये कोई एक दो साल नहीं, हजारों हजारों साल गुर्जर प्रतिहार वंश का राज हिंदुस्तान पे रहा है। मीर भोज जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उस जब उनका राज्य था तब अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ तक कि बर्मा भी भारत का हिस्सा था। विधायक जी, उन्होंने साफ तौर पर कल आरोप लगाए हैं आप पर, कंवरपाल जी पर, जिलाध्यक्ष जी पर, कि उन्होंने इस तरह के ये जो षड्यंत्र रचा उनके द्वारा देना ही। देखो, एक गाँव में आपस में भाईचारे वाली बात है, किसी भी राजपूत नेता ने किसी समाज के भाई ने कोई आरोप नहीं लगाया। इस टाइप के जो आरोप लगाने वाले हैं वो दो चार हमारे समाज में भी हैं। मैं कहता हूं कि कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं है, राजपूत हमारे भाई हैं और हम हमेशा से कैथल की राजनीति लगा दो, छोटी मोटी जो हम स्टूडेंट वाली भी करते थे उसमें भी हमेशा इकट्ठे काम किया हमने, कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे एक दो नहीं तीन तीन गुज्जर राजपूत प्रेसिडेंट आरकेएसडी कॉलेज में पढ़े हैं, तीन तीन गुज्जर राजपूत स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट आरकेएसडी में पढ़े हैं, और मैं तो चलो आपके सहयोग से विधानसभा में भी चला गया। हम आज भी आरकेएसडी के चुनाव को विधानसभा के चुनाव से भी बड़ा मानते हैं। हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश राठी जी आ गए, ये भी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। नरेश बत्ता जी राजपूत थे, वो प्रेसिडेंट रहे हैं। राजेंद्र जी ट्यूंठा से थे, राणा जी, वो प्रेसिडेंट रहे हैं। हमने हमेशा इकट्ठे मिलकर के काम किया। विधायक जी, आज बताया जा रहा है गुर्जर समाज के द्वारा भी जो है शहर में जल्द से जल्द उसको निकाला जाएगा, ऐसी कोई सूचना है? नहीं, जुलूस वाली बात नहीं, वो तो समय समय पर हमारे शमशेर राठी जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में गुर्जर समाज समय समय पर वहाँ पर गुर्जर धर्मशाला में इकट्ठा होता है और जो भी हमारे समाज की कोई चर्चा होती है उसके विषय पर हम बातचीत आपस में कर लेते हैं। दूसरे राज्यों से भी विधायक आने की चर्चा चले प्रोग्राम में, क्या कुछ कोई जानकारी देना चाहेंगे? वो जो मेरे को लगता है जो विधान वहाँ गुज्जर चौपाल में प्रोग्राम है वो उसमें आएंगे।